टेलीफोन 500 साल पुराना दुनिया का कैसा पहले टेलीफोन था। दोस्तों आज हम फिर एक बार आपको लेके आए हैं ग्वालियर, और ग्वालियर में आए हैं ग्वालियर के किले पे, और राजा मान सिंह थे उनका महल दिखाने लाए हैं आपको। और पीछे महल आप देख सकते हो, ऊपर चलेंगे अभी। यहाँ एंटर होने के लिए 25 रुपये का टिकट भी होता है, वो ले चुके हैं। और अभी ऊपर चलेंगे और आपको दिखाएंगे मानसिंह का महल, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। आज संडे है, संडे की वजह से आप देख सकते हो काफ़ी सैलानी है, लोग घूमने के लिए आते हैं देश और दुनिया से, फॉरेन भी आते हैं, और काफ़ी अच्छी तादाद में भीड़। आप इधर भी देख सकते हो बहुत सैलानी है, काफ़ी अच्छा लगता है। संडे का दिन है, बहुत अच्छा लगता है इधर आना। और अभी आपको ले चलेंगे राजा मान सिंह के महल पर, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और चलते हैं आपको दिखाते हैं राजा मान सिंह का महल। हाँ जी, जितने किले हिंदुस्तान में हैं उनमें दूसरे नंबर का मानते हैं। एरिया और हाइट के हिसाब से देखते हैं तो पहले एक नंबर का किला राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला है जी। उसका एरिया 12 किलोमीटर का है, ये किला 10 किलोमीटर में है। राजा सूरज सेन पहले राजा थे, इन्होंने इस किले की शुरुआत की थी 525 में। लास्ट में राजा सिंधिया आए, इनके बीच में 108 राजाओं ने राज किया। इनमें अलग अलग 7 वंश के राजा हुए हैं, कछवाहा, प्रत्यारा, सोलंकी, तोमर, लोधी, मुगल और सिंधिया जी जी। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा फेमस राजा मानसी हुए हैं, ये तोमर डायनेस्टी के राजा थे। इनका टाइम 15 सेंचुरी में रहा जी। मानसी नाम के राजा दो हुए हैं भारत में, एक राजा मानसी जयपुर वाले थे जी जी। जो अकबर के समकालीन थी वो मानसी ये नहीं है, ये मानसी बाबर से पहले जोधाबाई वाले पहले। उनके वो जोधाबाई वाले मानसी जयपुर वाले जी। ये ग्वालियर वाले मानसी मृगनानी वाले मानसी जी जी। इनकी 9 रानियां थी, 8 रानियां राजाओं की लड़की थी जी जी। जो इस महल में रहती थी, एक खूबसूरत महल बना हुआ है। हाँ। ये महल के ऊपर जो कलर हैं ये उसी जमाने के हैं जिस समय ये महल बनवाया था 500 साल पहले। अच्छा, पेंट नहीं हुआ अभी? 500 साल पुराना है, दोबारा नहीं किया गया जी। तो जितने कलर हैं सारे नेचुरल वेजिटेबल हैं जी। इन चित्रकारियों में हाथी बना हुआ है, दूसरी लाइन बदक की है, सबसे नीचे लाइन मगर की है जी जी। मगर गंगा का वाहन होता है, बदक सरस्वती का, हाथी इंद्र भगवान का है। पुण्य पर दो शेर बने हैं, शेर दुर्गा का वाहन है जी। इनको देखने से पता चल रहा है किसी राजपूत राजा ने इस महल को बनवाया, जो राजपूत पूरा जो राजपूत डिजाइन का है। हाँ। और गुम्बद जितनी बनी है इनके हेड के ऊपर गोल्ड प्लेट से ढका हुआ था जी जी। जब बाबर ने दिल्ली जीतने के बाद ग्वालियर आकर के एक खूबसूरत महल को देखा तो ऐसा महल बाबर ने और कहीं नहीं देखा था जी जी। तो बाबर ने बाबरनामा बुक में इसके बारे में लिखा है कि लेडीज के शरीर के ऊपर गले में जो सोने का हार शोभा देता है, इसी तरीके से भारत के महलों की श्रृंखलाओं में मानसिंह का महल एक सोने का हार है। सारे महलों का नेकलेस माना है, इतना सुंदर सजा हुआ है, बहुत अच्छा है। राजा मानसिंह ये दीवाने आम था, दीवाने खास महल के अंदर देखेंगे। ये पैदल वाला रास्ता है जहाँ से राजा हाथी पर बैठ के आते थे जाते थे, इसको हाथी गेट, एलिफेंट गेट कहा जाता है, जो नीचे राइट में जा रहा है जी जी। दूसरा गेट है उरवाई गेट जहाँ से गाड़ियाँ आती हैं जो अभी आए। हाँ, तीसरा गेट है डोनापुर गेट जो बंद है अंग्रेजों के टाइम से, बंद कर दिया था। आई थी उस समय। हाँ हाँ, ये पैदल वाला रास्ता, हाथी द्वार बोलते हैं। मान मंदिर पैलेस के अंदर आवाज अंदर जा रहे हैं जी जी। चलिए, और ये महल के लेफ्ट साइड में जो डबल स्टोरी में रूम आप देखेंगे जी, ये सब सोल्जर्सों के बैरिक्स होते थे जी जी जी। जब इनका परिवार रहता था मानसी जी का, तो उनकी सुरक्षा करने के लिए सब लेफ्ट में सोल्जर्सों की ड्यूटी रहती थी जी जी। जाना होता था राजा हाथी पर बैठ के जाते, ये सेम हाथी के लेवल का, राजा का हाथी नीचे खड़ा हो जाता था, राजा मानसी यहाँ से हाथी पर बैठते थे जी जी। राइट में जो बिल्डिंग है ये अंग्रेजों के टाइम की है, अंग्रेजों के टाइम पर आर्मी हॉस्पिटल था जी। अब इसको म्यूजियम बना दिया है, इसके अंदर म्यूजियम है। हाँ, मूर्तियां हैं जी जो औरंगजेब के समय तोड़ देते हैं, उनके अवशेष मिले हैं, उनको रखा गया जी। जी। ये मानसिंह जी का टाइमिंग रहा है रूलिंग पीरियड 1486 से लेकर 1516 तक। बाबर 1526 में आए, तो बाबर से 10 साल पहले इनका टाइम खत्म हो गया जी। तो ये राजपूत डिजाइन का है। इसके अंदर, इस महल के अंदर जितने रूम हैं इनमें हर रूम की कहानी अलग अलग है, और 3 मंजिल नीचे है। जब इसके नीचे जाते हैं तो उसको भूल भुलैया कहा जाता है। इसके नीचे 3 मंजिल है, 3 मंजिल नीचे है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 3 मंजिल। इसकी मेन खासियत यही है कि इसके अंदर बेसमेंट खुले हुए हैं जी। इनके अलावा ये और भी बहुत सारे सुंदर महल हैं, बड़े बड़े महल हैं जी जी। लेकिन उनके बेसमेंट नहीं खुले हैं, सिर्फ ये महल ही के अंदर बेसमेंट खुले हुए हैं।
जी। तो ये वाला जिस रूम में अभी आप हैं, ये संगीत रूम था। पहले राजपूत राजाओं में पर्दा चलता था, रानी हमेशा पर्दा रखती थी। यहाँ ऊपर 8 जालियां हैं जी जी। हर जाली के पीछे ब्लैक कलर के पर्दे डाले जाते थे, उनके पीछे बैठी हुई रानियां नीचे बैठे संगीतकारों को देख सकती थी, संगीत सुन सकती थी। लेकिन नीचे बैठे हुए संगीतकार लोग इन रानियों को नहीं देख सकते जी जी। जालियों में देखेंगे, हाँ जालियों में देखेंगे तो जेंट्स और लेडीज को डांस करते हुए सीन बने हुए हैं। ये डांडिया डांस करते हुए सीन है जो गुजरात में होता है, जिसे गुजराती डांस कहा जाता है जी जी जी। इसे दीवाने खास कहा जाता है। तो इसमें मृगनैनी को ही बुलाया जाता था, नौवीं रानी को। तो राइट हैंड पर ऊपर 9 झरोके बने हुए हैं। स्टेट वाइज जो राजा होते थे यहाँ पर एक खुली हुई बालकनी बैठते थे जी जी। मानसिंह राजा मेन राजा थे, इनके बैठने के लिए ऊपर होदा था, इसके ऊपर एक छतरी थी वो टूट गई है, उसके ऊपर बैठते हाँ मंत्रीगण नीचे बैठा करते थे, मिनिस्टर दीवाने खास है। जब ये मीटिंग में भाग लेते थे तो ये भगवान के सामने प्रतिज्ञा रखते थे। मंदिर था भगवान विष्णु जी का जी। इसी मंदिर के नाम से इस पूरे पैलेस का नाम है मान मंदिर पैलेस, मान मंदिर पैलेस। जब मंदिर बनाया तो देखो हाथी बने, हाथी गणेश के फेस रूम में है, कमल ब्रह्मा जी का संकेत कर रहा है, रुद्राक्ष की माला शिव जी का संकेत करती है, चक्र विष्णु जी का है। चारों तरफ से परिक्रमा करने के लिए गहली है जहाँ से रानियां भगवान की परिक्रमा लगाती। बहुत ही अद्भुत डिजाइन है उस समय में, आप देख सकते हो दीवालों पे काफी नक्काशी है। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता था जिसके ऊपर भगवान विष्णु जी की मूर्ति रहती थी जी जी। ये चारों तरफ दीवाल में छोटे छोटे हॉल हैं, इनमें रंगीन रंगीन कांच और डायमंड्स लगे रहते थे जी जी। उस समय जब लाइट नहीं थी तो स्टैंडों पर लैंप रखते थे जी। और लैंप को भी रोशनियां जब ये ग्लास और डायमंड्स पर पड़ती थी तो लाइट की चमक, लाइट रिफ्लेक्शन करती। जब लाइट को बंद करनी होती थी तो ऊपर हुक से इनके द्वारा पर्दे डाले जाते थे जी जी। हाँ जो कुंडी लगी हुई है इनके द्वारा पर्दे डाले जाते डाल दे। जब मुगल टाइम आया मंदिर को हटा दिया था जी जी। इस पूरे महल को जेल बना दिया जी। तो टाइम टू टाइम जो राजा आया है अपने हिसाब से, अपने हिसाब से चलाया है यहाँ का निजाम जैसे है, अपने अपने हिसाब से चलाया। उसी के समय का राज परिवार का सिंबल होता था जो झंडे के ऊपर, सिक्के के ऊपर मोहर रहती थी। मोहर टाइप का मान लो राजा मानसी का लोगो था, लोगो था ये। इनके 2 कोडवर्ड सिंबल होते थे, ऊपर डांस करते हुए मोर है जी जी। ये आनंद का प्रतीक होता, जब कोई फेस्टिवल कोई फंक्शन होता था ये मोर के झंडे को बना करके दिखाते जी जी। लेकिन राजा पर जब कोई अटैक होता था जी, यहाँ पर देखो आधा हाथी आधा ड्रैगन जो हाथी को खाते हुए दिखाई दे रहा है जी जी जी। ये सिंबल फाइटिंग के लिए था, ये लड़ाई का संकेत करने के लिए, डांस करते हुए मोर का खुशहाली जाहिर करने के लिए ये डांसिंग का डिजाइन है उस समय में। आजकल टीवी रेडियो पेपर के द्वारा न्यूज मिलती है, पहले न्यूज का साधन नहीं था जी जी। एक घुड़सवार घोड़े पर बैठ करके जी जी शहर में राउंड लगाते थे फ्लैग को लेकर के, इससे फ्लैग से पता चल जाता था कि राज परिवार में क्या पोजीशन है जी जी जी। ये लाइब्रेरी रूम था जी, महाभारत गीता रामायण जैसी बुक्स रखते थे अंदर, राजा यहाँ बैठ के अध्ययन करते थे धार्मिक ग्रंथों का। पहले लाइट नहीं थी, कांच के माध्यम से बाहर से सनलाइट को अंदर लाया जाता था जी जी। कैसे, जैसे एक कांच की प्लेट बाहर लगी हुई तो सेकंड यहाँ पर तिरछी लगा देते थे ऐसी 90 एंगल पर, बाहर वाले कांच का रिफ्लेक्शन तिरछी वाले कांच पर पड़ेगा तो लाइट उधर जाएगी, उधर उजाला उसका जाएगा, उधर वाले कांच की रोशनी इधर आएगी, इधर आएगी। तो बाहर से सूरज की रोशनी को कांच के माध्यम से अंदर अंदर लाया जाता था। इनके बेसमेंट को देखने जी जी। का पहला मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, ये सब नीचे है इसके जी जी। लाइट नहीं है, अभी भी अंधेरा रहता है इसमें। ये लाइट को कैसे नीचे तक लाते थे, जैसे यहाँ पर कांच लगा हुआ था 45 एंगल पर, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ गिरता था जी जी। यहाँ पर फिर कांच लगा हुआ था दूसरा 45 एंगल पर, जिसको लाइट को नीचे रिफ्लेक्ट करता था, नीचे जाता था। ये पेरिस्कोप टाइप का यूज किया गया, चारों तरफ से रोशनी हवा अंदर आती थी जी जी। ऐसे ही आप इधर देख सकते हो ये लगा हुआ है उसी हिसाब से, हाँ सर ये लाइट और हवा के लिए है भैया। तो ये महल का भी पहला तलघर है, ये -1 लेवल है जी। इसमें चारों तरफ 8 गेट हैं, हर गेट पर कुंदे लगे हुए हैं लोहे के जी। सभी खम्भों के ऊपर गोल्ड प्लेट चढ़ी हुई थी,
रेशम की डोरों के साथ डले हुए झूले में रानियां झूला झूलती थी। जब 17 सेंचुरी में इसको जेल बनाया तो यहाँ औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी देके मारा था, उसके नाम से इसको फांसी घर कहते हैं। फांसी घर के नाम से फांसी दी। सामने प्लास्टर भरा हुआ चूना एक साइड में है, एक पाइप डाला था और रस्सी से बांध करके फांसी देके मार दिया था। ये टेलीफोन 500 साल पुराना, दुनिया का कैसा पहले टेलीफोन था। 8 रानी इस महल में रहती थी, लेकिन 9वीं रानी का महल सिटी में अलग है, ग्वालियर के गुजरी महल के नाम से जाना। हाँ, तो गुजरी महल से लेके इस महल को सुरंग के साथ जोड़ा, सुरंग के साथ दो पाइपलाइन डाले थे नीचे वाले जी जी। वो यहाँ पर ये दो पाइप है, एक पाइप से बोलते थे और एक से सुनते थे। फिर राजा मानसी की मृगनैनी की टेलीफोन की सुविधा 500 साल पुरानी इंटरकॉम सिस्टम, इसके जरिए आवाज आ जाती थी उस समय। हाँ, एक तो पाइप से बोलते थे तो आवाज पाइप लगी हुई दो और एक पाइप से वहाँ से तो आवाज। गुजरी महल तक गए ये पाइप, गुजरी महल तक 9वीं रानी वहाँ से आप बोलते थे, यहाँ सुन सकते थे। एक पाइप बोलने के लिए था, एक सुनने के लिए था। मिली है यहाँ पे और आमतौर पे है बहुत, तकरीबन 500 साल पुरानी है। ये हर रूम के 3 रास्ते हुआ करते थे, एक रास्ता उधर से जा रहा है जी जी, एक रास्ता इधर सामने से जा रहा है जी जी, एक लेफ्ट से जा रहा है, कहीं से भी जा सकते थे। ये रोशनदान हुए, गेट छोटे बनाते थे सुरक्षा की वजह से, जब कोई दुश्मन अंदर आएगा तो एक एक होके आएगा, आएगा तो गर्दन झुकाएगा, जैसे गर्दन झुकाएंगे तो उसके सिर को काट दिया जाएगा, सेफ्टी मिल सके। इससे गेट के लिए उसी हिसाब से बनाए जाते थे। इस महल का ये दूसरा तलघर है, ये दूसरे वाले बेसमेंट में है। आप सेंटर में 4 कुंदे हैं यहाँ ऊपर, इनके द्वारा बीच में एक बड़ा झूला गिरता था जहाँ 2 लोग एक समय एक साथ बैठ करके झूला झूल सकते थे, राजा रानी, और वो जो पहले देखा वो सिर्फ रानियों के लिए था। ये वाली सारे लाइट हवा आने के लिए रोशनदान, 5 लगे हुए थे, इधर की रोशनी उधर जाती थी, उधर की रोशनी इधर आती थी, लगे हुए इनकी शीशे की लाइट उधर जाएगी, उधर की रोशनी उधर आई तो रोशनी होती थी इसमें, उसके जरिए आप कटिंग देख सकते हो। इनमें मिरर लगा दिए जाते थे रोशनी के लिए। काफी नीचे अंधेरा है, ये दूसरी मंजिल पे है अंदर, और तीसरी पे चलते हैं, अंदर चल के दिखाते हैं आपको। ये छोटा सा जो टैंक है इतना नहीं था पहले 15वीं शताब्दी में, इसका एरिया 12x8 फुट का था। इसमें केसर से मिले पानी में रानी स्नान करती थी, लड़ाई हुई पानी को निकाल करके चंदन की लख में आग लगा के जल्दी वो आग में रानियों ने जौहर कर लिया। जौहर कुंड टाइप का बनाया है, पहले स्विमिंग पूल बात कर रहे स्विमिंग पूल, जब इसको जेल बनाया तब इसको जी जी। इस महल का ये सेकंड ओपन कोर्टयार्ड है, दूसरा आंगन है जी जी। 3 नाम थे इसके, रंग महल, शीश महल और डांसिंग हॉल जी। 500 साल पहले यहाँ विदाउट लाइट के डीजे डिस्को जैसे सीन देखने को मिलते हैं इस जगह पे। तो जब लाइट नहीं थी वो डीजे डिस्को कैसे होता, क्या सिस्टम था वो देख। जी जी। कि जितनी फ्रेमें हैं जी जी, इन सारी फ्रेमों में शीशे लगे हुए थे जी, इनमें अलग अलग रंग के, इसमें एक रंग का। तो जैसे इस साइड में थे इसी तरीके से सेम उस साइड सामने थे उसी तरफ। लाइट नहीं थी तो स्टैंड है जी जी, इन लैंप स्टैंडों पर और लैंप रखी जाती थी, लाइन में रखी हुई लैंप की रोशनी उधर वाले शीशों पे पड़ती थी जी जी। जितने रंगीन शीशे होते थे लाइट इधर आती थी, इस साइड से लाइट का रिफ्लेक्शन उस साइड में जाता था जी जी। बीच में जो जेंट्स लेडी डांस करने वाली होती थी उनकी ड्रेस प्रतीत होता होगा, उनकी ड्रेसों पर भी रंगीन रंगीन शीशे होते थे, तो मल्टी कलर लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, ऐसा देखने मिलता था। ऐसा कुछ मुगली आजम फिल्म में देखने मिलता है जी जी। चार रानियां जालों के पीछे अंदर बैठती थी पर्दे में, चार रानियां उस साइड में, राजा मानसिंह और 2 गेस्ट ऊपर वाली बालकनी बैठते जी जी। इनका जो चीफ गेस्ट होता था उसे राजा से ऊंचा बिठाया जाता था। डांस लेडी डांस करने से पहले इनको मेकअप करना है, ड्रेस चेंज करना है, तो एक ग्रीन रूम होता था जी जी। राजा का जो मेन बेडरूम था जो ऊपर देख सकते हो यहाँ पे, हाँ यहाँ ऊपर राजा मानसिंह और 2 गेस्ट बिना लाइट के कूलर चलते थे जी।
ये सबसे ज्यादा खूबसूरत सजाया गया था, जितने डिजाइन है सभी में कलर भरे हुए थे, पूरा कलरफुल था। दो कूलर चलते थे, एक कूलर ये है, एक उस साइड में है। कूलर कैसे चलता था, ये सामने हॉल है, इसमें एक बांस का पाइप लगा हुआ है, दो बनी हुई बांस की पंखड़ी रहती है, एक दीवाल के बाहर एक दीवाल के अंदर। जमीन के लेवल से 3.5 फुट की हाइट होने के कारण हवा की स्पीड से बाहर वाली पंखड़ी घुमाती थी तो अंदर वाली घूमेंगी, हवा डायरेक्ट आएगी तो गर्म आएगी, खस के जाली रहती थी। बीच में टैंक था, पानी भरा रहता था, केसर से मिला होता था, पंख से फीकी हुई हवा पानी से टच होकर के खुशबू को लेके अंदर आती। उस समय का ये कूलर रहा नेचुरल कूलर, लाइक ए विंड मिल, 500 साल पुराना। बिल्कुल ऐसे एक कॉर्नर पे हो साइड में सुरंग का रास्ता होता था जो गोजरी महल के लिए जाता था। जी जी, नौवीं रानी के महल था। गोजरी महल से 3 तरफ बढ़ता था, आगरा, झांसी, नरवा। एक और आधा किलोमीटर की दूरी तक अंडरग्राउंड में जाते थे, जंगल में रास्ते खुल जाते। जी, रास्ता यहाँ से होता था, लगता था कि रास्ता ये जा रहा है, ये सिर्फ दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए सस्पेंसेस रास्ता था। लेकिन राजा ने उस के लिए महल अलग क्यों बनवाया, नौवीं रानी के लिए राजा ने उससे शादी क्यों की, उससे शादी करने के दो कारण थे। एक तो कारण ये था कि 8 रानियां राजा के लिए थी, लेकिन पुत्र नहीं था किसी। जी जी जी। एक बार जब राजा शिकार खेलने निकले तो उन्होंने जंगल में एक बहादुर खूबसूरत लड़की को भैंस से लड़ते देखा। जी जी। और वो सीन देखा जब वो लड़की लड़ते हुए अपनी धागे से भैंसे को हरा देती है, तो राजा बड़े इम्प्रेस हुए। वो लड़की से नाम पूछते, लड़की ने अपना नाम बताया नन्नी, नन्नी माने छोटा होता है। राजा मानसी ने नाम चेंज किया, नाम रखा मृगनयनी, शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा। तो लड़की ने शादी करने से पहले 3 शर्तों की मांग की, राजा ने उनकी 3 शर्तों को मान लिया। लड़की ने पहली शर्त ये मांगी कि आपकी रानियां पर्दा डालती, हम पर्दा नहीं रखेंगे। दूसरी शर्त, आप युद्ध में लड़ने जाओगे, जंगल में शिकार खेलने जाओगे तो मैं साथ में रहूंगी। तीसरी शर्त, मैं ग्वालियर के पानी को नहीं पीऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर जो ताकत है, जो सुंदरता है, वो मेरे राई गांव के पानी का कारण है, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ। जिस नदी का पानी पीती हूँ वो पानी निरंतर ग्वालियर तक ला सकती हूँ, तो मैं शादी कर सकती हूँ। ये शर्त बहुत कठिन थी, गाँव की दूरी 18 किलोमीटर पर थी, 3.5 फुट किले की हाइट थी, किले के ऊपर पानी को लाना संभव नहीं था, लेकिन राजा ने वचन दे दिया था पूरा करना, इसलिए इस किले के ऊपर महल बनवाते हुए महल को किले के बाहर जमीन लेवल से नीचे अंदर किया, उसको अंडरग्राउंड में किया, जिससे कि स्लोप में पाइपलाइन डाल करके उस महल के अंदर तक पानी जी जी पानी है उसमें देखा है, जाके पाइप डाल पाइपलाइन। दो मंदिर है, बड़ा मंदिर सास के नाम से, एक छोटा मंदिर बहू के नाम से, वो 11वीं शताब्दी के हैं। राजा महिपाल नाम के राजा थे, उनकी माँ विष्णु की पूजा करती थी, उनकी वाइफ शिव की पूजा करती थी। जी, तो एक में बैठ के सास करती थी, एक में बहु पूजा करती थी, इसलिए पब्लिक ने शॉर्ट कर नाम कर दिया सास बहु का मंदिर। जी, वैसे नाम सहस्त्र बाहु मंदिर। जी।